चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन 64 आपका सामने है, पढ़ते हैं इसको। चलिए तो क्या लिखा है, द मेन रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द मिलेनियम प्रोजेक्ट वॉज बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज द फंड ऑन टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या इसमें बोला जा रहा है, इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जो मेन रीजन, जो मुख्य कारण बताया गया, ठीक है, रीजन का मतलब क्या होता है, मुख्य कारण। तो ये जो मुख्य कारण, जो फेलियर का, फेल होने का, किसके फेल होने का, जो मिलेनियम प्रोजेक्ट, मिलेनियम प्रोजेक्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, या फिर बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका फेल होने का जो एक मुख्य कारण जो बताया गया वो क्या था, वो कारण था वॉज बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज द फंड ऑन टाइम। कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या नहीं किया, समय पर जो पैसा उनको डालना चाहिए था उस प्रोजेक्ट के लिए, वो पैसा उन्होंने नहीं डाला, ठीक है, और उसके कारण फेल हो गया, है ना। वो तो फंड ऑन टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, है ना, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फंड, जो रिक्वायर्ड फंड की जरूरत थी वो गवर्नमेंट ने टाइम पर नहीं दिया, और उस कारण से क्या हुआ कि वो मिलेनियम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, इजी है सेंटेंस, समझ में आया हमें। अब देखते हैं, देखो ये जो आपका डी वाला सेक्शन है, द फंड ऑन टाइम टू, ये पूरा का पूरा आपका राइट है। देखो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है यहाँ पर कि अंडरलाइन पार्ट डी जो है ये आपका करेक्ट है। करना क्या है, ध्यान देना, हमको करना है फाइंड अदर करेक्ट पार्ट्स, कि दूसरे कौन कौन से पार्ट्स हमारे करेक्ट है वो हमको बताना है। क्या केवल ए करेक्ट होगा, या बी होगा, या केवल सी होगा, या ई होगा, या फिर सभी हमारे पार्ट जो है वो करेक्ट होंगे, एरर लेस होंगे, देख लेते हैं। चलिए तो देखो, शुरुआत हो रही है द से। द आपका क्या है, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल है, एकदम निश्चित आर्टिकल है, ठीक है, वही जिसको बोलते हैं ना, वही, द मेन रीजन मतलब जो वो मुख्य कारण था। अच्छा, मेन जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और यहां हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रीजन, रीजन हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट का ये काम कर रहा है। अब देखो आप ध्यान से कि द मेन रीजन ऑफ द फेलियर, तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ड है रीजन, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है ना। रीजन के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, रीजन के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और अगर आपने लिखा कॉज, सी ए यू एस ई, कॉज, या फिर बिकॉज, तो ये अगर वर्ड्स होते हैं, द मेन कॉज ऑफ अगर हम बोलते हैं, या फिर बिकॉज बोलते हैं, तो उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो रीजन के बाद फॉर प्रीपोजिशन आता है, और जो कॉज अगर लिखा है तो उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो यहां पर कारण बताने की बात हो रही है, इस कारण से आप देखो कि मेन रीजन ऑफ यहां पर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसके बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, हम लिखने वाले हैं फॉर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बिल्कुल याद रखो आप लोग ये रूल, आपको प्रीपोजिशन का रूल भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, द मेन रीजन फॉर द फेलियर, ठीक है, तो द और फेलियर ये बिल्कुल बराबर, इसका मतलब चलिए ए वाला हमारा क्लियर है, इसमें एक एरर हमारी पता चल गई, मतलब ए वाला हमारा एरर है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, फॉर द फेलियर ऑफ द मिलेनियम प्रोजेक्ट, किसके फेलियर की यहां पर बात हो रही है, मिलेनियम प्रोजेक्ट, जो मल्टी डॉलर, मल्टी मिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट था उसकी, तो ये आपका एडजेक्टिव है, और ये प्रोजेक्ट जो है, ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारा नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। तो ये तो हमारा यहां पर देखो दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा है कि द फेलियर ऑफ द मिलियन मिलियम सॉरी मिलेनियम प्रोजेक्ट वॉज बिकॉज द गवर्नमेंट। अब देखो पढ़ने में थोड़ा ठीक लग रहा होगा,
ठीक है, कि वॉज बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? कि सर जी ये आपका जो बिकॉज है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कारण है कारण। अरे ये कौन सी बात, कारण है कारण मतलब उसका कारण है ये वर्ड रीजन, और रीजन का मतलब भी कारण होता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, तो यहां पर क्या होता है, याद रखो ये जो वर्ड है रीजन, ध्यान देना दोस्तों, ये जो रीजन है, रीजन के साथ हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। रीजन के साथ किसकी कॉम्बिनेशन होती है, दैट की कॉम्बिनेशन होती है। रीजन के साथ हम लोग बिकॉज कभी नहीं लिखते हैं, याद रखना, रीजन के साथ बिकॉज कभी नहीं लिखते हैं। रीजन के साथ क्या लिखा जाता है, रीजन के साथ दैट लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो इंग्लिश में आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझने के साथ साथ उसको बिल्कुल मेमोराइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये याद रखो, जैसे खास करके प्रीपोजिशन की बात करें, कंपाउंड कंजंक्शन की, दो दो कंजंक्शन जो जोड़ी में एक साथ आते हैं उनकी बात करें, तो उस कंडीशन में हमको मेमोराइज करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग याद रखो कि यहां रीजन आया और उसके बाद बिकॉज नहीं, रीजन के साथ दैट की कॉम्बिनेशन जड़ती जमती है। तो देखो क्या होगा, द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द मिलेनियम प्रोजेक्ट वॉज दैट द गवर्नमेंट, आगे बढ़े, ठीक है, वो क्लियर हुआ, वॉज दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज। भाई डिड नॉट आ गया तो यहां वापस पास्ट टेंस नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, रिलीज्ड नहीं होने वाला है। सही क्या हो जाएगा, रिलीज, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलीज। क्यों, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम ये डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट ऐसा कुछ भी लिखते हैं, 100% हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये आप याद रखो। ठीक, मतलब एरर हमारा सी भी रॉन्ग है और बी वाला भी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है, डिड नॉट रिलीज द फंड ऑन टाइम, क्या नहीं किया, फंड रिलीज नहीं किया टाइम पर टू, अच्छा ये तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट वाला दिया है क्वेश्चन में, ऑन टाइम टू कंप्लीट। अब ध्यान देना दोस्तों, टू आया, अब टू के बाद जो है क्या होता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो बिल्कुल करेक्ट है, कि टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, किस चीज के लिए, फंड अवेलेबल मुहैया नहीं कराया प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, और एक ही करेक्ट है। ठीक है ना, देखो एक ही करेक्ट है, कौन सा, ई वाला, ए वाला रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, और डी तो ऑलरेडी राइट है, और केवल ई हमारा करेक्ट है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, है ना, राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, फाइंड अदर करेक्ट पार्ट, तो केवल हमारे पास ये फोर्थ वाला हमारा राइट ऑप्शन है, ई हमारा करेक्ट पार्ट है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? देखो आप, अब एक बार इसको पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द मिलेनियम प्रोजेक्ट वॉज दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज द फंड ऑन टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ ई वाला हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट वाला हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन, टाइप 4 का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप देखो कि इसमें हमारा अंडरलाइन पार्ट जो है सी वाला पार्ट है। ठीक, द अंडरलाइन पार्ट डी जो, सॉरी डी वाला पार्ट है, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से दूसरा हमको कोई और करेक्ट वाला पार्ट निकालना है, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, कौन सा हमारा करेक्ट पार्ट है वो हमको बताना है। ठीक है ना, ए या बी या सी या फिर ई या फिर सारे जो ऑप्शंस हैं, पार्ट्स हैं, वो हमारे इनकरेक्ट है, ये हमको बताना है। ठीक, क्लियर है, चलिए लेट्स स्टार्ट देन, We are going to read first. पहले पूरा इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, SPO assured to the policeman by saying if he get any information regarding the murderer,
ही वुड डेफिनेटली गिव इट टू हिम। देखो क्या बोला जा रहा है, मीनिंग इसका हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारा एक वर्ड है SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। हालांकि अगर आपको यहां पे इंग्लिश का ये कोई डोमेन नहीं है, इसका मीनिंग आपको नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट मैंने इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बता दिया कि SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात को अश्योर किया, मतलब इन्होंने इस बात को जो है भरोसा दिलाया टू द पुलिसमैन, पुलिसमैन को बाय सेइंग, क्या कहते हुए, कि इफ ही गेट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मर्डरर, की मर्डरर के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मिलने वाली है तो क्या करने वाला है, ही वुड डेफिनेटली गिव इट, वो बिल्कुल निश्चित ही उसको दे देगा, टू हिम, उनको दे देगा, ठीक है। तो ये हमने एक आइडिया, हमको लगा बहुत सारे एरर हैं इसके अंदर, देख लेते हैं हमारा कौन सा कहां पर एरर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक एक चीज याद रखा करो, जो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है किसी भी वाक्य का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ढूंढा करो कि सब्जेक्ट क्या है इस पूरे के पूरे, इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं SPO की, ठीक है, जो कि कौन है, एक ऑफिसर है या कोई भी, जो भी हो, कैपिटल जो भी होता है दोस्तों, तो वो आपका हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। उसको कैपिटल में अगर इस तरीके से कुछ है, MP, PO, कुछ भी हो, तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, और जब तक कि उसमें कोई एस ना लिखा हो, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, देख लेते हैं आगे, देखो अश्योर्ड लिखा है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का हो गया, भी पास्ट टेंस में हमारा ये सेंटेंस चलने वाला है, तो याद रखना, ठीक है। ईडी लगा है, मतलब सेंटेंस हमारा किसमें है, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब अश्योर्ड के बाद क्या लगा है, अश्योर्ड टू द पुलिसमैन, तो दोस्तों अश्योर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, अश्योर्ड के साथ नहीं आता, रीअश्योर्ड का साथ साथ नहीं आता, ये जो वर्ड है आपके अश्योर्ड या फिर रीअश्योर, इन वर्ड के बाद जो है टू या कोई भी प्रीपोजिशन, खास करके टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, याद रखना, क्या होता है, अश्योर के साथ टू प्रीपोजिशन आपका नहीं होता है, ठीक है। और अश्योर का मतलब क्या होता है, अश्योर का मतलब उसको बिल्कुल भरोसा दिलाना, ठीक है, भरोसा देना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए तो देखते हैं, तो SPO assured the policeman, टू आपने काट दिया, इसका मतलब यहां पर आपका ए वाला रॉन्ग हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अश्योर किया किसको, टू द पुलिसमैन, पुलिसमैन को उन्होंने अश्योर किया, ठीक है, बाय सेइंग, क्या कहते हुए उन्होंने अश्योर किया, बाय सेइंग इफ ही गेट, अब ध्यान देना, इफ ही गेट, अब गेट जो है यहां पर जो है क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आप इसको मान लो, ठीक है, तो ये आपका यहां पर ये भी सिंगुलर होने वाला है, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा यहां पर ये भी सेकंड बी में भी एरर है, तो गेट नहीं होगा, गेट्स हो जाएगा, ठीक है, बी वाला रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ ही गेट्स एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब के बारे में, ठीक है, रिगार्डिंग मतलब क्या, के विषय में या फिर के बारे में, ठीक है, तो किसके बारे में, रिगार्डिंग द मर्डरर, उस मर्डरर के बारे में उसको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या होने वाला है, ही वुड डेफिनेटली, एकदम निश्चित ही वो क्या करेगा, गिव इट टू हिम। तो यहां देखो, बताओ मुझे जरा, हिम हिम कोई एक पर्सन है क्या, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, द पुलिसमैन। अब पुलिसमैन जो है वो आपका यहां पर प्लूरल सेंस में आ रहा है, ठीक है ना, किस सेंस में आ रहा है दोस्तों, पुलिसमैन के, कि उसने किसको अश्योर किया, पुलिस वालों को अश्योर किया, एक पुलिसमैन को नहीं किया, तो यहां पर क्या होगा,
टू हिम यहां पर नहीं होने वाला है, टू देम यहां पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि यहां जो पुलिस, पुलिस जो वर्ड है वो आपका एक्चुअल में प्लूरल सेंस में आता है। ठीक है, किस में आता है? प्लूरल सेंस में आता है, याद रखना। पुलिस वर्ड जो है वो आपका हमेशा वो प्लूरल सेंस में आता है। तो यहां पर गिव इट टू क्या हो जाएगा? हिम आपका यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, और देम जो है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में एक गलती ये है कि इसमें मैन इसके साथ नहीं लिखा आएगा। ठीक है ना, क्या नहीं आएगा? मैन नहीं आएगा, मैन ये गलती से आ गया। यहां पे सीधा सीधा पुलिस होगा। क्या होगा? टू द पुलिस, या तो ऐसा होगा टू द पुलिस, या फिर क्या होगा कि मैन अगर आता है तो एम ई एन आएगा। क्या आने वाला है? एम ई एन आएगा। तो हम लोग इसको केवल द पुलिस कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? बट याद रखो, याद रखो कि ये जो वर्ड है पुलिस, ये आपका प्लूरल नाउन है, याद रखना। ठीक है, तो ये प्लूरल है, उसके हिसाब से देखो, गिव इट टू हिम तो कोई एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है ना। यहां पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो देम जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? इसका मतलब हमारा ई वाला जो है ये भी रॉन्ग है। तो कौन कौन से रॉन्ग है देखो जरा बताओ। फर्स्ट ए आपका रॉन्ग हो गया, उसके बाद बी रॉन्ग हो गया। अच्छा, सी जो है एनी इंफॉर्मेशन, देखो एनी जो है, एनी के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो यहां पर देखो सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल बराबर है, कोई इशू नहीं है ना। तो सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, सी आपका करेक्ट है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। डी तो ऑलरेडी करेक्ट दिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सी जो है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी हमारे एरर हैं। देखो फिर से देख लेते हैं, एसपीओ अशर्ड, इसके बाद टू नहीं आएगा। एसपीओ अशर्ड द पुलिस आगे बाय सेइंग इफ ही गेट, अच्छा इफ का थोड़ा सा याद रखो दोस्तों, ये जो वर्ड है आपका इफ, इफ का थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इफ जो है इसके बाद, याद रखना, इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस आता है। ठीक है, क्या आता है? इफ के बाद कंडीशनल सेंटेंस आता है, और कंडीशनल सेंटेंस की खास बात होती है कि वो कभी भी आपका फ्यूचर में नहीं आता है, कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट में होता है, एक पार्ट फिर कॉमा फिर दूसरा पार्ट। तो यहां पर आप देखो क्या लिखा है, इफ ही गेट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मर्डरर, यहां तक ये आपका यहां पर कॉमा। ठीक है, एक को एक पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर पास्ट में आएगा, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट, मतलब वुड शुड आ जाता है उसके अंदर। तो यहां पर आप देखो कि वुड डेफिनेटली गिव इट टू हिम आ गया। ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहां पर केवल इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने बता दिया, इसका कोई एरर नहीं है। ठीक है, हाँ अगर यहां पर विल होता तो हमको वुड करना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया आंसर आपके सामने दोस्तों, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। चलिए दोस्तों, स्वागत आपका, आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोग अब देख पा रहे हैं, एक अलग से वापस से हमारा एक नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन हमने लिया है टाइप 5 का क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ चेंज करके एरर के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन की क्या रोड मैप है, क्या इसका रूपरेखा है, किस तरीके से हमको इसको अप्रोच करना है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन और सेकेंड दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ठीक है ना दोस्तों, दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो भी सकते हैं, और दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, अब ऑप्शंस आप लोग देखो, ऑप्शन में क्या है आपको बताना है। देखो बोथ आर रॉन्ग, इसका मतलब फर्स्ट वन और टू दोनों में कुछ ना कुछ एरर है। रॉन्ग का मतलब ये है कि दोनों ही सेंटेंस के अंदर आपके कुछ ना कुछ एरर है, या तो ये हो सकता है, ठीक है ना, या आपका हो सकता है बोथ आर करेक्ट, कि दोनों सेंटेंसेस जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई किसी में उसमें कोई भी किसी भी टाइप का एरर उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, या फिर आपका हो सकता है ओनली वन इज करेक्ट, कोई एक करेक्ट हो, या तो फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। अच्छा नहीं, सॉरी, यहां वन इज करेक्ट मतलब फर्स्ट करेक्ट है,
ओनली फर्स्ट जो पहला वाला है ये करेक्ट है और सेकेंड वाला रॉन्ग है। और यहाँ पर या ये ऑप्शन जो है इसमें लिखा है कि ओनली सेकेंड इज करेक्ट, कि केवल दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये हो सकता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखो ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखना, बोथ हैव टू और मोर एरर्स, है ना, दोनों के अंदर एरर है, ध्यान देना, दोनों में एरर है और दोनों में कम से कम दो एरर है, बट दो से ज्यादा एरर हो सकते हैं दोनों के अंदर, तो इस तरह का भी आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन, पहले इंस्ट्रक्शंस क्लियरली उसकी समझना है, उसके बाद शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों ही क्वेश्चन को, दोनों ही पॉइंट्स को हमारे एक बार पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको समझते हैं और फिर हम थोड़ा सा उसको एरर उसके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला आप देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू वन द लेजिस्लेटिव इलेक्शन ही कुड नॉट गेट सक्सेस, ठीक है, ये लिखा है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, दूसरा हमारा क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ द इंडियंस नो दैट श्री मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द richest मैन इन द वर्ल्ड। तो ये दो सेंटेंस आपके, चलिए तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले सेंटेंस को समझते भी हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं क्या एरर है उसके अंदर या नहीं है। तो देखो क्या लिखा, डिस्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट, उसके लगातार मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, टू वन द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में उसकी इलेक्शन जीतने के लिए लगातार उसका जो है एफर्ट करने के बावजूद, जीतने इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या हुआ, ही कुड नॉट गेट सक्सेस, उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, ये यहां पर बताया जा रहा है। अब देख लेते हैं क्या एरर है। तो सबसे पहले एरर है आपका फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड में ही आपका एरर है दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखना, दिमाग में बिठा के रखने वाली ये बात है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो वर्ड है आपका कौन सा, डिस्पाइट, याद रखना, डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, बिल्कुल दिमाग में ये चीज बिल्कुल बिठा कर रखो, जो मुहावरा है घर करके रखो, ठीक है, घर करके रखना मतलब बिल्कुल दिमाग में रखना इस बात को, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, लेकिन देखो एक और वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, और इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये ही कमाल की चीज है, और ये कुछ देता है एग्जामिनर आपको जानबूझ के, इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिखेगा या फिर डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखेगा, करना उसका उल्टा है, डिस्पाइट जो है उसके साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन मत लगाओ और इंस्पाइट को जो है बिना ऑफ के मत लिखो। अच्छा, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, क्या मतलब है, मतलब है दोनों का के बावजूद, क्या मतलब है दोस्तों, के बावजूद, ये सब होने के बावजूद या के बजाय भी, इस तरीके से है ना, के बजाय भी बोलते हैं ना हम लोग, तो वो इसका मीनिंग है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन आपका रॉन्ग हो गया, तो डिस्पाइट हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और कुछ एरर है क्या, तो देखो डिस्पाइट ये हो गया हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स की, उसकी कंटिन्यूस जो है एफर्ट्स के बावजूद। अब यहां पर हाँ एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, ये जो वर्ड है एफर्ट, ई डबल एफ ओ आर टी, एक तो हमारा वर्ड होता है एफर्ट, ठीक है, हाँ एफर्ट्स, हाँ ठीक है, एक एफर्ट होता है और दूसरा जो वर्ड होता है एफर्ट्स, डबल एफ ओ आर टी, ठीक है। तो यहां पर याद रखना दोस्तों कि एफर्ट कभी भी नहीं होता है, हमेशा एफर्ट्स होता है, ठीक है, मतलब बिना एस का ये वर्ड आपका कभी भी नहीं होता है, हमेशा वर्ड हमारा एस के साथ होता है, ठीक है, ये हमेशा आपका प्लूरल के फॉर्म में होता है, ये नाउन जो है आपका हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होता है, आप बिल्कुल याद रखो, ठीक है। तो यहां पर ये बराबर है, देखो ये आपका कांस्टेंट हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन, तो ये बिल्कुल बराबर है। आगे बढ़ते हैं, टू वन द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, तो भाई मेरे टू के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, टू के बाद तो हमेशा याद रखना है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
टू विन, वन नहीं विन, टू विन द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, क्या जीतने के लिए इतनी कोशिश करी उसकी, उसने किस बात की, टू विन द लेजिस्लेटिव जो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो, ही कुड नॉट गेट सक्सेस। तो देखो ही उसके बाद कुड और कुड नॉट और कुड के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ना। तो गेट सक्सेस ये बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं दो इसके अंदर एरर है, ठीक है ना, दो एरर है, मल्टीपल एरर है इसके अंदर। देखो एक तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन ही कुड नॉट गेट सक्सेस। क्लियर हुआ दोस्तों, आई होप बिल्कुल एकदम आप लोगों को क्लियर हो रही है बातें, चीजें सारी आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला पॉइंट, देखो क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ द इंडियंस नो दैट। देखो हर एक इंडियन, हर एक इंडियन, एवरी वन ऑफ द इंडियंस मतलब हर एक भारतीय को इस बात की के बारे में पता है कि श्री मुकेश अंबानी जो हमारे मोटा भाई है, रिलायंस के मालिक जो है, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, की वो विश्व में एक अमीर व्यक्ति है, सबसे अमीर है, चौथे या पांचवें नंबर पर उनका आता है, शायद कई बार 11वें 10वें नंबर पर ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ये टॉप इंडियन जो है वो तो रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया है, और टॉप 3 में आए हैं एशिया में, और वर्ल्ड लिस्ट में जो है टॉप 10 के अंदर जो है मुकेश अंबानी जी आ चुके हैं। तो यहां पर जो है वही बताया जा रहा है। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या एरर है, तो देखो एवरीवन ये जो शब्द है ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, और यहां पर हमारा एक बहुत मजेदार रूल आता है जो मैं आप लोगों को अक्सर बार बार आपको बताता हूं, हर बार बताता हूं, ये रूल दोस्तों याद रखना है, नाउन वन, देखो रूल क्या है, नाउन वन प्लस अभी आपका आता है प्रीपोजिशन और उसके बाद आता है नाउन टू, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए कि नाउन वन उसके बाद प्रीपोजिशन उसके बाद नाउन टू, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्या ध्यान रखना, कि ये जो वर्ब आप लगाओगे, वर्ब जो आने वाला है वो वर्ब आपका आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन, किसके अकॉर्डिंग आने वाला है दोस्तों, नाउन वन के अकॉर्डिंग आने वाला है, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि पहले तो आपका नाउन वन, ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन, और 99% प्रीपोजिशन आपका ऑफ का होता है। देखो यहां पर ये रूल का पूरा हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, एवरी वन ये आपका नाउन वन है, उसके बाद ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, उसके बाद देखो द इंडियंस जो है वो आपका नाउन टू है, लेकिन आपको इसके बाद जो वर्ब आ रहा है ध्यान देना, वो आपको बताना है किसके हिसाब से, किसके हिसाब से वर्ब लगाना है, अकॉर्डिंग टू नाउन वन, नाउन वन के हिसाब से आप वर्ब लगाने वाले हो, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि नाउन वन हमारा क्या है भाई, नाउन वन अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा ये क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है ना। तो एवरीवन जो वर्ड है वो आपका सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, एवरीवन क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर अरे एवरीवन क्या है, सिंगुलर नाउन है सॉरी, तो आपका ये क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। तो भाई यहां एस ई एस लग रहा है, ठीक है ना, एस या ई एस हमको लगाना यहां पर पड़ेगा, जब जाके हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह की एरर आती है, देखो बिल्कुल सिंपल आपके जो स्ट्रक्चर्स है रूल्स हैं उस पर एरर आती है। अच्छा यहां पर देखो जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये वाला जो सेकंड नाउन है ये प्लूरल दिया, और 99% ऐसा ही होता है हर क्वेश्चन में जो इस रूल पर आते हैं, ऐसा ही होता है कि आपको एक वर्ब भी प्लूरल देंगे, उसके पास वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल दे देंगे, ताकि आप क्या हो जाओ, घनचक्कर हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल ये सिंपल सा रूल याद रखना है, पहले वाले नाउन के हिसाब से हम लोग ये वर्ब लगाते हैं, ठीक है, पहले वाले नाउन के हिसाब से, बिल्कुल दिमाग में रखो, ध्यान रखो, ये अगर आपका सिंगुलर है तो ये अभी ये भी वर्ब भी सिंगुलर होगा। देखो कितने कितना मजेदार
हमारा सेशन चल रहा है, कितना मजेदार जो है एरर हम लोग तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये एवरीवन के हिसाब से यहां पर ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। आगे बढ़े तो देखो, एवरीवन ऑफ द इंडियंस नोज दैट श्री मुकेश अंबानी इज वन ऑफ। तो फिर देखो वापस वन ऑफ का एक रूल आ गया। ये बिल्कुल ये हिंट होती है, पता है, हिंट होती है। वन ऑफ आया तुरंत दिमाग में रूल उसके दौड़ना चाहिए। जैसे यहां पर क्या आया, डिस्पाइट आया, तुरंत दिमाग में उसके रूल पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वर्ड आया, मान लो ऑफ आया, ऑफ प्रीपोजिशन आया, इधर एक नाउन उधर एक नाउन, तुरंत एक वर्ब आ जाना चाहिए दिमाग में। ये ही तो ट्रिक होती है ना, यही ट्रिक होती है बिल्कुल एरर पता करने की। आप गिनती की जो गिने चुने आपके रूल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसके ऊपर ही एरर आता है दोस्तों, मानकर चलो आप। देखो जरा, तो वन ऑफ आया, बिल्कुल दिमाग में रूल याद आ जाना चाहिए, क्या कि सर जी ने कहा था कि वन ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है। क्या कहा था सर जी ने? नाउन हमारा प्लूरल होता है और वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, वन ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है और वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। तो ध्यान दो जरा, तो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, MAN, तो भाई सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल करने के लिए MEN बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पढ़ने में बिल्कुल मैन मैन थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, पर ऐसे याद रखो MEN जो है वो आपका प्लूरल नाउन है, MAN जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है। इसका क्या मतलब हो रहा है दोस्तों कि यहां पर सेकेंड वाले में भी हमारे पास दो दो एरर है। ठीक, एक तो हमारा ये एस वाला और दूसरा प्लूरल वाला। ठीक, पढ़ते हैं तो देखो, एवरी वन ऑफ द इंडियंस नोज दैट श्री मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दोनों में दो दो एरर है, ठीक है, बताओ जरा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बोथ आर रॉन्ग। हाँ, ये तो माना। देखो अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आप बोलोगे सर दोनों रॉन्ग है, ये भी सही है, और बोथ हैव टू और मोर एरर्स, तो आपको प्रायोरिटी देना है इसको, किसको, ई वाले को। अगर इस तरह के ऑप्शंस, वैसे तो कुछ और ऑप्शन आएंगे है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, बट फिर भी अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है तो आपको ये वाले, इसको प्रायोरिटी देना है कि बोथ हैव टू और मोर एरर, दोनों में दो या दो से ज्यादा एरर है। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ई वाला। ठीक है दोस्तों, ई वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे जिस लेवल से, जिस एनर्जी से जो है हम लोग यहाँ पर, ये हमारा सेशन चल रहा है बिल्कुल कंटिन्यूस तरीके से, और आप लोग भी जो आपका व्यू जो है, आप जो देख रहे हो, आपका जो सपोर्ट है इस ऐप को, आपका सपोर्ट है मेरे मेरी टीचिंग्स को, इंग्लिश को आपका सपोर्ट है, वो हमेशा बना रहे। हमारी, हम सभी टीचर्स की यही कोशिश होती है कि आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम आया, हर एक उसमें आप लोग बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास आओ, बिल्कुल उन्नति करो, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा वही आपका जो टाइप फाइव का अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये टाइप फाइव का है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। ये फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है दोस्तों, Many companies are laying off their employees just because of low demand in the economy. क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, देख लेते हैं कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, वो लेइंग ऑफ कर रही है, निकाल रही है अपने एम्प्लॉयज को, जस्ट बिकॉज, क्यों निकाल रही है, केवल इसलिए निकाल रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लो डिमांड, मतलब जो डिमांड है मार्केट में या इकोनॉमी में, डिमांड मतलब जो मंदी का दौर चल रहा है,
उनका जो भी प्रोडक्ट है कंपनियों का, वो प्रोडक्ट मार्केट में रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, लोग उसकी मांग ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी सेल्स नहीं हो रही है और इसके कारण बहुत सारी कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों को निकाल रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को ओयो होटल्स का दे देता हूँ, है ना, रितेश अग्रवाल जी ने जो है ओयो होटल का एक पूरा चेन शुरू किया था और इतनी तेजी से उन्होंने ये होटल का चेन शुरू किया कि पूरे विश्व में, एशिया, चाइना में, अमेरिका में, इंडिया में कई सारी होटलें जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्होंने उसको ओयो होटल बनाया और फिर उन्होंने जो है कस्टमर्स को वहाँ पर एकदम कंफर्ट वाली पोजीशन दी, काफ़ी सारे जॉब दिए। लेकिन ये जैसे ही लॉकडाउन लगा, उससे पहले भी जो है उनका मॉडल पता नहीं किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो दूसरों से होटल जो है मालिक उस होटल का कोई और रहता था, वो केवल वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट करते थे, वो उनको, उनके पास बस एक बिजनेस आइडिया था, मतलब उनका खुद का एक भी होटल नहीं था, ठीक है, उसके बाद भी इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य बनाया। तो उन्होंने, वो क्या करते थे, जो होटल मालिक होते थे उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, वो बोलते थे कि हम आपकी होटल को पूरा एकदम नया कर देंगे, सजाएंगे, हम आपको कस्टमर भी ला के देंगे, बस उसका जो कुछ रेशो 40% या जो भी, वो आप मुझे, हमें ओयो को देना पड़ेगा। लेकिन वो मॉडल आगे चल के धीरे धीरे फेल हो गया, क्योंकि उनके जो पार्टनर्स थे होटल वाले, वो लोग सारे के सारे जो है, जो क्वालिटी ओयो दिखाता है कस्टमर को, वो क्वालिटी वहाँ जाके मिलती नहीं है और बहुत सारे डिस्प्यूट होने लगे, बहुत सारे, तो उसके कारण काफ़ी इतने सारे कर्मचारी जो हैं ओयो के, वो सारे अपने, उनको निकालना शुरू कर दिया। और इस लॉकडाउन के टाइम में और भी इतनी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने काफ़ी सारे जो जॉब्स हैं उनको, लोगों को जो है निकाल दिया। तो उसका कारण क्या रहा कि इकोनॉमी में, मार्केट में जो है उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं रही, है ना, तो वो एक मुख्य कारण रहा। चलिए तो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, कमिटिंग मिस्टेक्स इन लाइफ इज अ कॉमन थिंग बट अ वाइज मैन ऑलवेज टेक्स लेसन फ्रॉम देम। कि जो गलतियां करना जो है जीवन में, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां करना वो क्या है, एक कॉमन चीज है। लेकिन ये जो वाइज मैन होता है, वाइज मैन का मतलब एक समझदार व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपनी गलतियों से सबक सीखता है। एक्सक्यूज मी दोस्तों, ठीक है, अपनी गलतियों से क्या करता है, सबक लेता है। तो चलिए मीनिंग तो समझ लिया, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, एरर ढूंढते हैं। फर्स्ट वाले में बताओ जरा क्या एरर होगा। देखो मैनी लिखा है, ठीक है, मैनी लिखा है तो जाहिर सी बात है मैनी के बाद क्या आता है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना, मैनी के बाद प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। तो मैनी कंपनीज और प्लूरल नाउन है दोस्तों, तो वर्ब भी आपका प्लूरल वर्ब ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगा। तो मैनी कंपनीज आर लेइंग ऑफ, तो यहां पर ये आपका दोस्तों प्रीपोजिशन का एरर है, ठीक है ना, किसका एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है ये पर्टिकुलर, मैं आपको बता देता हूं, इसमें लेइंग ऑफ नहीं होता है, लेइंग ओ डबल एफ होता है, ठीक है। और लेइंग ऑफ का मतलब होता है क्या, मतलब होता है ले ऑफ का, देखो ये वर्ड है आपके सामने ले ऑफ, और ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना, ठीक है, क्या करना, नौकरी से निकालना, ठीक है, नौकरी से बिल्कुल हटा देना उनको, ले ऑफ करना मतलब बिल्कुल छुट्टी कर देना उनकी, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी सैलरी जो है उनको दे पा रहे। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे अभी के समय काफी सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो काफी सारे ले ऑफ पर है, ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जहां के कर्मचारी ले ऑफ पर, और ले ऑफ का मतलब यही है कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है आप लोगों को देने के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है, हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, तो जब सब सामान्य होगा तब हम सोचेंगे आपको रखने की। तो ये जो विकट जो सिचुएशन है ये लगभग हर काफी सारे लोगों के साथ है अभी, ठीक है। तो वही यही बात हो रही है कि मेनी कंपनीज जो है क्या हो जाएगा, लेइंग ऑफ, है ना, आईएनजी तो लगेगा, लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को, देखो देयर भी प्लूरल है और एम्प्लॉइज भी प्लूरल नाउन है, चलिए ये तो करेक्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ, किस कारण से, बिकॉज ऑफ
कम डिमांड लो डिमांड इन द इकोनॉमी। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एरर इसके अंदर फर्स्ट में आ गया, ठीक है ना। चलिए सेकेंड वाले में देखते हैं क्या एरर है। कमिटिंग मिस्टेक्स इन लाइफ, देखो शुरुआत हो रही है आईएनजी वाले वर्ड से, ठीक है। तो ये आईएनजी का जो वर्ड है, वर्ब आईएनजी जो है दोस्तों, सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि ये आपका वर्ब नहीं है अब, ठीक है। जब हम इसको सब्जेक्ट की तरह लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, जेरेंट, क्या कहलाता है, जेरेंट कहलाता है, ठीक है। आईएनजी वाले ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट की तरह या जो नाउन की तरह जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कमिटिंग, कमिटिंग मतलब एक मिस्टेक्स को दोहराना या मिस्टेक्स करना, ठीक है, गलतियां करना, तो कमिटिंग मिस्टेक। अब एक चीज और याद रखो कि ये जब आपका सब्जेक्ट या नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। जेरेंट जो है वो हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है, आप ये याद रखो, ठीक है। तो ये आपका जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी इसका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो कमिटिंग क्या कमिट करना, मिस्टेक्स, ठीक है। तो कहां मिस्टेक कमिट करना, मिस्टेक्स इन लाइफ, जीवन में मिस्टेक कमिट करना, ये देखो यहां पर इज आ गया, है ना, सिंगुलर इज अ कॉमन थिंग, वो क्या है, एक बहुत ही सामान्य चीज है, बहुत सामान्य बात है, ठीक है। अब बट आया, बट के इस साइड अगर पॉजिटिव सेंस है तो इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट सेंस। बट अ वाइज मैन, जो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, ऑलवेज टेक्स। देखो वर्ब का कैसा वर्ब है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है, तो ये टेक्स किसके लिए लगा है, वाइज मैन के लिए। मैन देखो आप, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। तो देखो सिंगुलर नाउन और यहां पर सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बराबर है, ठीक है, दोनों जगह सब्जेक्ट वर्ब का हमारा जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल राइट है। तो देखो वाइज मैन टेक्स लेसन्स फ्रॉम देम, किनसे सीखता है, उनसे। अब ये देखो ये देम आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है, ये देम हमारा है मिस्टेक्स के लिए, गलतियों के लिए, ठीक है। तो ये कमिट करना ये आपका नाउन है, लेकिन सॉरी ये वर्ब नहीं है, ये भी आपका एक नाउन है। तो क्या कमिट करना, मिस्टेक्स, और ये कैसा है, प्लूरल नाउन है, गलतियां करना। तो ये मिस्टेक्स के लिए देम लगा है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर सेकेंड वाले में कोई भी एरर नहीं है, ये पूरा हमारा करेक्ट है, और यहां हमारा एक एरर मिल गया, ठीक है। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ आर रॉन्ग, दोनों रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ओनली टू इज करेक्ट, बिल्कुल दो करेक्ट है ना, बोथ आर करेक्ट, ये भी नहीं हो, ओनली वन करेक्ट, कोई एक करेक्ट है, कोई एक करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली, अच्छा वन मतलब नहीं, यहां पर ओनली वन, कोई एक नहीं, यहां पर ओनली वन मतलब ओनली फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है, ये एस टी है, तो ओनली फर्स्ट करेक्ट नहीं, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है आपका, तो ये आपने कट कर दिया। उसके बाद ओनली टू इज करेक्ट, यस, सेकेंड वाला जो है वो आपका राइट है, दोनों में दो से ज्यादा मिस्टेक नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो यहां पर सेकेंड वाला जो है ना, टू मतलब सेकेंड, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाले में एरर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।